बताते किसका है गम। गाना भी पूरा पूरा नहीं बनता, दम गवाई अब गर्मी के दिन में, और क्या कर लूं बताओ। कहीं ले जाते लाते नहीं है, नहीं तो घूमते फिरते रहती इधर उधर। अच्छा, सामने वाले की पूरे बंदिया जोतने लगे, रे हमारे यहाँ कब लेके जाएंगे ट्रैक्टर ना गाड़ी। नवाबन की ना बोली सूरी लो तान परो नवा पीरे मगा। ओ लागीता भाभी, ओह नो, कहाँ है तेरा घरवाला और तेरा देवर बुला। थोड़ा हिसाब से तो बोल ले रे। हिसाब से आज बात होगी कि नहीं, आज बात होगी आर पार की, समझी। ओह नो, बुला। काय का आर पार कर रहा है? आर पार कुछ भी होगा तेरे को दिख जाएगा, तू उनको बुला, बात खत्म। अब भी बुला यहाँ से तो बोल रहे कम देख। ओह नो, उनने मार दिए, मेरा दिमाग मत खसका, बहुत जोर का सनका हुआ है मेरा। इनने मार दिए? अरे तेरे को वो बताने का टाइम नहीं है, इतना बता कि वो दोनों है कहाँ। ओ आम खरीदने के लिए आए थे रे, कौन ना कौन तेरे भैया देखने के लिए गए उधर आम। आम कहाँ? खेत पक्के बात है ना? नीचे रख पैसे, भाग रहे यहाँ से, भाग। अरे साला आप देख, तुम अब पूरे घर भर के गिनती वाटने लगा ना, मेरा भी नाम सोनू। तू भाग रहे? हाँ। चाटेगा देख, अब तेरे को रात अब भी एक घंटे में क्या न्यूज मिलती है। हाँ। मेरा गुस्सा नहीं देखी साफ भी। हाँ तेरी ऊंची आवाज से बात कर रहा है मेरे से, बकरा भाग यहाँ। पूरा दिमाग तनका के रख दिए यहाँ आके मेरे को सुना रहा है। ओह नो, तन्ना दिमाग का। वैसे ये इतना गुस्सा में क्यों गया है भाई? कहीं अगर कुछ बोला उसने उनको तो बाप, झगड़ाई लड़ाई वाला काम है, ऐसे तो सनसनाई जैसा है, बिल्कुल चिरमाहा लड़का है। गुस्से से भागा, कहीं कुछ बोला वोला, कहीं इनने हाथ उठा लिया उसपे तो और दिक्कत की बात है यार। एक मुक्का मारेंगे ये तो वो भी ढकला ढुकली करेगा, उसका तो काम ही है बस देखता है कि कहीं से भी झगड़ा हो जाए। ओह नो, दिमाग का टेंशन में यार, देवर तो देवर अलग, चिड़चिड़ा मेरा पति अलग, सांडिया दिमाग खराब, टेंशन ही टेंशन है। समझ क्या रखे मेरे को, जिसको देखो हल्के में ले रखा है मेरे को। ओह नो, मंदिर का घंटा हूँ जो कोई भी बजा के जा रहा है, अगर इनको भी अब वो धूप बिसाली क्या फट चीरे तक लगती रे। अब बताऊंगा इनको। थक गया बे आदमी, मार धूप है ना। हाँ होगा भी बटा, जब भी से आया था तो सौदा ही नहीं पट रहा था, किचिड़ 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 किचिड़। तू पूरा भांगा है क्या? ओह नो, यहाँ पे बटा बड़े भाई को भांगा कहता है। तो थोड़े ज्यादा तो लेना था, 800 बस लिया तूने। अरे यार आम भी तो झड़ गए हैं, अब उसने सौदा में ब्याना में 800 रुपए दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए कपड़े ले देने का तू, है ना? अरे हवना मेरे बाप, ले दूंगा ना, और कम से कम मेरे लिए 300 रुपए के तो ले ही देना, क्योंकि 300 रुपए से ऊपर के पहनता नहीं मैं, है ना? अरे हवना यार, क्योंकि अपने को फिट आते 300 रुपए के कपड़े, समझ रहा है? और तेरे लिए 500 के ले लेना। ठीक है रे, और पिछले बार बाबू ने लिया था ना तो वो मेरे को 500-600 वाले पुराए नहीं थे, 300 बढ़िया थे, 300 वाले जो लाया था दूसरी बार में। ठीक है, मैं तेरे लिए 300 के ले दूंगा। और सुन तो, उससे बात करके थोड़ा ज्यादा तो बढ़ा गया पैसे का। अब सौदा हो गया यार, बार बार वही कच 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 थोड़ी करेंगे यार, थोड़े से तो। अरे एक तो ऐसे आंधी तूफान में सप्पा झड़ गए हैं, यहाँ घर में कौन खटाई बनाता? तुम तो साले इधर के उधर खेलने कूदने भग जाते हो, वो तेरी एकटल भाभी है तो वो परेशान हो जाती है दिन भर। सही बोल रहा है, इसलिए मैंने कहा बेच बाच निपटा और जो भी पैसे मिले उसमें घर चला। मैं तो बोल रहा था तेरे को कि तूने काय के लिए 800 रुपए ब्याना लेता, 700 रुपए लेता सबसे बढ़िया। अच्छा हो, थोड़े ज्यादा, 100 ज्यादा हो जाते। कब अकल आएगी? अरे ठीक है, ले लिया यार, अब तो 700 लेता, यही कह रहा हूँ मैं। अरे हाँ गलती हो गई मेरे भगवान, तू जा पानी की ला मेरे लिए, हालत सुख रही है। लाता हूँ कुएं में, अच्छे से बोलना। पूरा बांगा है रे, बट्टे को ये नहीं मालूम कि 500 ज्यादा होते हैं क्या 300। तो बट्टे को स्कूल जा कहे तो कहाँ, यहाँ टिल्ली डंडा खेलने मेरा बेशरम के आड़ में छुपता था, कहीं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, कोई गत नहीं ना सत नहीं बट्टे के। कितने देर में आता है अब तो। तात मार लिया, बहुत सहन कर लिया, कहाँ है ये है? आजा, बहुत मारे बाप बेटे, गिनने अगर आज मैंने तुम्हारी
चटनी ने बोला तो मेरा भी नाम सोनू नहीं, और कहाँ है वो बाबिया इसकी भोबड़िया की? Oh, no. कहाँ है? आ दोनों भाई बाहर, अब मेरे सामने आओ। हाँ रुक जा, हाँ रुक जा रुक जा, कहाँ है? रुक जा, वही रुक, वही वही। हमारे यहाँ का बड़ा भैया रे, मेरा बड़ा ख्याल रखता, अब तो मेरे लिए कपड़े लेगा रे। अब वो इसको घर में मौका नहीं मिला तो यहाँ आ गया यार, खेत में मारने पे। अरे औघड़ी दानो है बे, पत्थर पटक रहा है। सुअर ही है सुअर। बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, अबे कैसा करेगा कैसा नहीं बे, बड़ा मारेगा बे बड़ा साला। ओह नो, और बड़ा भैया के साथ लड़ाई हुई तो अब तो थेतराई देगा वो बड़ा भैया को भी। भगवान मेरे को तो आज बचा ही ले, भगवान एक नारियल चढ़ाऊंगा रे, चले जा बस एक बार। बट्टा ये भी कोदू कब से गया है पानी के लिए तो अभी तक नहीं आया। अगर कोई मिल गया क्यों का क्यों को भैया क्या है बे, कैसा बोल रहा है तू? कैसा नहीं, अब तो आर पार चलेगी बस। बहुत मार लिए तुमने मेरे को भैया, गोलू का बैल जैसे मारते हो मेरे को ना, और मेहनत मेहनत करवाने के लिए पागल हो गए क्या मैं? अरे वो ही हो गया मैं, बहुत हो गए। ओह नो, मारते हो तुम और क्या करूंगा मेरी जिंदगी में साला, टू जाएगा मेरे ऊपर। अबे तो हो गया ना बे, कब का मार रहा हूं ना बता, अभी आके क्या बदला ले लेगा मेरे से क्या? नहीं वो कहाँ है चपटा, कहाँ है बता। अरे तू छोड़ उसको, मेरे से बात कर क्या करना। नहीं उसको भी बुला, यही बात होगी पूरी। तेरे दिमाग में कुछ घुस गया है क्या रे? सुनगा oh, no. बड़ा भाई करके आज तक मैं लहजे में हूँ। उंगली नीचे करके बात कर। उंगली नीचे नहीं होगी, आज सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, समझ कर रखा है तूने? शांत हो जा, शांत, तेरा दिमाग अभी ये गर्मी के कारण थोड़ा सा भी हल्के में ले रहा है मेरे को बहुत दिन से। अच्छा अरे तो भाई है कोई है, बाई के कहने पे रुक गया मैं, बाई के कहने पे मेरे को उसने बोली थी। क्या जाक बोल दी बे तू तो इतना सा था पे? हाँ जब भाई तूने मेरे को मारा था, और मैंने मालूम है तुम दोनों के मर्डर का प्लान बना लिया था। किसका किसका? बाई ने बोली थी मेरे को, बेटा कहे संवर कर कहे, सबके दिन आते हैं कहे, सब कुत्ते इनके साथ, वही कुत्ते कहेगा अब हाथ मत लगाना। कैसे कर लेगा? अब कैसा करूंगा मैं वो तो अब समय बताएगा। तू भाभी को बुला बस। कहा रे? तो मेरे से बात कर दे। तेरे से भी बात कर रहा हूँ मैं, डरता हूँ क्या? अच्छा डरता हूँ मैं तुमसे? शेर है तू हमारे घर का? अरे शेर नहीं, बब्बर शेर भी नहीं हूँ मैं, कुछ नहीं हूँ मैं, आज से तुम्हारा दुश्मन हूँ, समझ रहे ना? बटे को पलटा मार, अभी कहाँ मार 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 मार। अब शांत हो जा रहे? शांत होने का है ही नहीं है भैया, मंदिर के घंटे जैसे बजा के जा रहे हो मेरे को तुम, है ना? अबे तो तेरे बाप भाई चाहे इसलिए मार देते हैं, अपना है के? कितना अपना, कितना अपना, अपने इनके साथ कोई ऐसा नहीं करता। नहीं तू कैसा करेगा बता भला अभी? oh, no. बाटे को नहीं तो अभी मारेगा मेरे को? क्या मेरे को कमजोर समझता है क्या बे? नहीं मेरे को मारेगा, मारेगा नहीं मार सकता, नहीं मार सकता मेरे को मारेगा क्या? ऐसा दूंगा तो अभी ये चौथा झापड़ पड़ रहा है आज तेरा, अगर मारा तू अभी कहाँ मारा बे मैंने, और चार के अगर 40 नहीं दिया मैंने रिटर्न तेरे को ना, बता पागल हो गया है क्या? पागल देखगा, पागल तुमने बनाया हूँ मेरे को। अच्छा समझ रहे हो? अच्छा एक चीज बता, तेरे को मार काय के लिए रहे हैं ये थोड़ा सा याद कर तू। अरे कुछ नहीं है। अच्छा है ना, तुम्हारी आंखों में खटकने लगा हूँ मैं। वो तो साले शर्म कर ले, भाई ने भी मेरे को कसम दी थी। तो साला बोलना मेरे को। अरे तो छोटा है निकल जाता है मुँह से। भाई ने भी मेरे को कसम दी थी कि ये तेरे सुपरत है रे, इनको पाल पोस के सब बड़ा करना, और साले आज तुम पढ़ लिख के ऐसे होशियार चंद बन रहे हो हमारे सामने में। पाल पोस के दो दिन भूल गए तुम, जब नाक बहती थी गांड से गांड नहीं धो सकते थे तो मैंने किया मैंने, और भोसड़ी के आज मेरे पे हाथ धारा जानवर। इसी वजह से अभी प्यार से बात कर रहा हूँ मैं तेरे से।
कल की आई हुई पिंकी, उसने ये नहीं सोची कि ये मेरे देवर है, अपने बच्चे जैसे की तुम्हारा, और आज साल तुम बड़े भाई को हाथ उठा रहे हो। अरे जाओ रे जाओ, तुम कुछ भी कर लो, अब मैं तेरा मेरा रिश्ता खत्म है। अगर तू भैया भैया भैया, तुमको दया नहीं आई हमारी भैया, मैं तो अगर गुस्से में बोल रहा था ना, लगता है कहीं चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाता क्या, कहीं फांसी लग जाता। आज तू चौतार रहा है, कल को वो आएगा, वो भी चौतारेगा, वो कहाँ है, वो भी आ जाता और अपनी कोई गुस्सा होगी तो निकाल लेता। अभी अपने पे आई तो ऐसा, और मेरे साथ होता है तो कैसा। नमक हराम हो तुम लोग, नमक हराम, नमक हराम हूँ, मिर्ची हराम भी हूँ, धनिया हराम हूँ, मसाला हराम हूँ, सब हराम। आज हमको सता नहीं रही कि छोटे भाई को हम डांट दे के दो झापड़ मार दे कहके, जब आई वो तेरी भाभी काय की भाभी रिश्ता ही खत्म कर रहा है, तो वो चाचा चाचा होती थी उसको समझा समझा के मैं कहता रहे अभी बच्चे है बच्चे। भगवान अब समझ में आई, मेरे को जब पढ़ती हूँ कैसा लगता होगा, वो खेबड़ा भोबड़ा कहाँ है उसकी तो है कहाँ, वो पहले बता दू बस। मैं सोचता था तू देर को पढ़ाया हूँ तो थोड़ा समझदार हो गया होगा, इतना ज्ञानी आदमी तू हमारे घर भर में और तू कैसा बैग गया रे। मेरे में दिमाग आएगा तू, मैं सोच रहा था कि मेरे बाद में पूरा राजपाट तेरे को दूंगा मैं, राम तू भरत जैसे पूरी अयोध्या नगरी तेरी, पर तू तो मेरे ही सर पे चढ़ने लगा। सही में का? आज को आज सारा तुमको देख देख के हमने बच्चे पैदा नहीं किए, वो दूसरे के बच्चे जब खिलाते हैं तो हमको ऐसा लगता है हमारे भी छोटे छोटे रहते, हम भी उनकी नाक पोछते गांड पोछते और क्या क्या नहीं पोछते ऐसा लगता है, और तुम आज हमको मारने आया है। नहीं का भैया, मारने नहीं आया था का, मारने नहीं आया था। मैं क्या बोल रहा हूँ, सही में पूरे घर भर का जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी का? अबे तेरे पे नहीं आएगी तो किस पे आएगी, घर संभालने वाला मेरे बाद तू ही तो है, पूरा लेखा जोखा मेरे पास, सब तेरे को ही करना था, पर अब तिजोरी की चाबी तो मेरे पास, हाथ से निकल गई बात। तिजोरी की चाबी मेरे पास रहेगी का? अरे सब रहेगी, पर तू ऐसा बंगड़ जैसे होगा तो कहाँ से रहेगी बता। तो नहीं, मैं वो तो गुस्से में बोल दिया था भैया मैंने का, सही तो बता कैसा क्या रहेगा मेरा बता तो। और का तू अगर मेरे को दिल से चाहता होगा तो तू मरी हुई बाई की कसम खा के बोल दे कि आज के बाद भैया मैं तेरे को और भाभी को उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, जब ही मेरे को भरोसा होगा, नहीं तो मैं एक रत्ती भरोसा नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, पहले कसम तू खा कि आज के बाद मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, फिर जब मैं कैसे खा सकता हूँ, तू छोटा है उठ ही जाएगा कभी ना कभी। कौन कौन तू? मैं उठ जाऊंगा, मेरा हाथ उठ जाएगा। कहाँ? तेरे पे। देखा फिर मारने पीटने की बात करता है। अबे तो छोटा है तो कैसे ने कभी ऐसे चटका दिया तो और कसम खा लिया तो तेरे को छी भी नहीं सकने का मैं। तो बड़े बंधन में बांध रहा है तू, राम को भी वनवास हुआ था तो भरत ने खुशी खुशी से उसके चरण पादुका ले जा करके 14 साल राजपाट संभाला था, तुम तो साले 14 दिन नहीं संभाल सकने के। हाँ तो तू वनवास कब जाएगा तो? Oh, no. तू काहे को वनवास जाएगा? क्या ऐसे भाई रहेंगे घर में तो वनवास नहीं जाऊंगा, तू कहाँ जाऊंगा? तू कहाँ नहीं कहीं नहीं जाता का, मैं हूँ ना टेंशन ना। खरा लगा का? ठीक है फिर, गलती की माफी मांग रहा है। सुन तो तू नहाया भी नहीं है क्या? अरे जल्दी जल्दी में वो आम के चक्कर में फोन आया, लेने वाला आया था तो मैं जल्दी जल्दी बाबे कहा चल रही खेत जाएंगे। हो गया सौदा उसका? हो गया। कितने में? 10,000 के बेचे हैं। वो इस साल तो कम ही बिके हैं साले यार। कम नहीं बिके, झड़ गए सप्पा तो कहाँ से, तो झड़े वाले भी वो हमारी गलती थोड़ी ना, कहना था उसने, लेने वाला थोड़ी ले लेगा ऐसा। पैसे कब दूंगा बोला जी? बयाना दिया है अभी। कितने? अरे रहने दे कितने भी दिया होगा। अरे तो बता ना तो। वो एक को जबान दे दिया हूँ मैंने, तेरे लिए कपड़े ले दूंगा कहीं। किसके लिए? बाबिया बे। अरे उसकी तो भुर्जी। हाँ फिर दूंगा पे तेरे पे। अगर तेरे से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अब तू मेरा भाई है और वो भी तेरा छोटा भाई है। पैसे शांत हो जा। पैसे कितने दिया उसने एडवांस? अरे जो भी दिया होगा बताना का।
तू भी दिया होगा कह रहा हूँ तो। अरे तो पूरा मेरे को हिसाब किताब देना पड़ेगा, अभी तूने बोला है। अभी मैं संभाल रहा हूँ, बट अभी से साइन मत बने तू। फिर भी थोड़ा सा तू दिमाग खराब मत कर मेरा, शांति से बैठना है, बैठ। शांति तो नहीं बताएगा कहाँ गए ना कहाँ तेरी। अरे सोनिया, ए जी, अरे बाबी, अरे कहाँ है ना कहाँ है भाई, कहीं मारा पीटी नहीं हो गए हो, दिमाग खराब। अजय वो है कहाँ वैसे, क्यों गा? तेरी भाभी चिल्ला रही है, कह रही चिल्ला देना का, क्या होता है तो क्या मालूम, आएगी वो नहीं तो घर जाएगी। अरे ये मनमानी चिल्लाती है का? बोलना इधर बैठेंगे के? अपन दोनों भाई भाई की बात चल रही ना, हटा उसको जान दे, वो अभी चिल्ला चिल्ला होगी और जाएगी उधर। तू बता तो पैसे कितने दिए? अबे 800 रुपए तो दिया है बे। ए अरे अभी तो दे देगा। हाँ वो दे दूंगा, तू चुप रह, वो बाबिया को बुला ले जा। कहाँ है वो? रे ओ चपटा, कहाँ है का? अबे कुछ बोले ही नहीं रहा है बे, अभी तक तो साला 1 किलोमीटर दूर से पानी ला लेते। ओह नो, चल भला देखते हैं कुआं में गया है बट्टा। वो भी कहीं छटक छटक गया तो आप क्यों